वर्क प्रोफाइल क्या है हमारा, ये ट्रेनिंगों से तो हमें समझ में आया। ऊर्जाएं तो हम में भी थी भरपूर, ऊर्जाएं तो हम में भी थी भरपूर, हम सब काम कर लेते हैं और इसका भी हो गया था हमें होने गरूर। ये देखिए समझिए, कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव भी रहा है, जो हम लोग ये आलू से फिट हो गए ना सब्जी में, कि हम सब काम कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी हो गए। ठीक है, अब सब अध्यापक लगे थे बढ़ने चालू, अब स्कूल के सब अध्यापक लगे थे बढ़ने चालू और वोकेशनल ट्रेनर को हर जगह लगाने लगे थे, ऐसे जैसे सब्जी में लग जाता है हर सब्जी में। अब दूसरी ट्रेनिंग में हमारे को कुछ समझ में आया, जो स्कूल में थोड़ा थोड़ा समय बीतने लग गया, थोड़ा हमारी आंखें खुल गई और अब हमें समझ में ये आया, आने लग गया। अब हमें ट्रेनिंगों से ये समझ में आया कि इन सभी अध्यापकों ने तो पचिक्कू बनाया हमारा। अब वास्तविकता से परिचय हो गया हमारा और अब वास्तविकता से परिचय हो गया हमारा और समझ में हमें आने लग गया स्कूल में असली काम क्या है हमारा। अब है ट्रेजेडी, अब हमारे ये इसमें वास्तविकता भी है, हमारे बहुत से भाई हैं, शायद फीमेल ट्रेनर्स को ये समस्या नहीं आती है पर मेल्स को ये समस्या आ रही है, वीटी का नहीं हो रहा है ब्याह। क्योंकि सबको पता चल गया है कि 10 दिनों में इनकी सैलरी हो जाती है 100। वीटी का नहीं हो रहा है ब्याह क्योंकि सबको पता चल गया है कि 10 दिनों में इनकी सैलरी हो जाती है 100। रिश्ते लगकर जाते हैं टूट। लड़का तो अच्छा है पर बिना पैसों से कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है अटूट। स्कूल में हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं इसलिए ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो, उनको हम एक रूट बता रहे हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जब भी हम उनको बताते हैं कोई रूट, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जब भी उनको बताते हैं हम कोई रूट, तो समझ में आता है कि अपने रूट के तो सारे ही भूल गए हैं टूट। जनाब बच्चों को रास्ता कैसे बताएं जब पूरे ना हो सके वो सपने जो हमने अपनी आंखों में थे सजाए। जनाब बच्चों को रास्ता कैसे बताएं जब पूरे ना हो सके वो सपने जो हमने अपनी आंखों में थे सजाए। धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं बीटी भाई हमारे, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं बीटी भाई हमारे, सोचते रहते हैं कि कब होंगे सपने पूरे हमारे। अब इस पर टिकी है बात सारी कि कब बनेगी पॉलिसी हमारी। और थोड़ी सी तुम भी दिखाना समझदारी, और थोड़ी सी तुम सभी दिखाना समझदारी, क्योंकि बढ़ने लगी है सबकी घर की समय के साथ जिम्मेदारी। थोड़ा बैठ कर लेना विचार, अब रिश्तेदार भी नहीं देते हैं उधार। अब अंत में मैं, जिस नाव पर हम हुए हैं सवार खुदा करे वो नाव लगा दे हमारी नैया पार। जिस नाव पर हम हुए हैं सवार खुदा करे लगा दे वो हमारी नैया पार, पर एक नाव और भी सजाए रखना। ये उन बेटी भाइयों के लिए, बहनों के लिए है जो अभी भी घर में बैठे हैं, एक नाव और भी सजाए रहना, क्या पता धारा के विपरीत भी पड़े हमें बहना। धन्यवाद। बहुत
स्किल्ड टीचर हैं, देखो कैसी कैसी चीजें आपके समक्ष आएंगी। आज पूरा दिन हम सोशल एक्टिविटी करते रहेंगे। अभी अभी बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारा लाइव चला था, अनूप ढिल्लो जी हरियाणा के प्रेसिडेंट ने फोन किया कि हम भी आपके साथ हैं, बोला कि मैं आ रहा हूं। उत्तराखंड से भी फोन आया कि हिमाचल ने बोला कि पहाड़ी बंदे तो उत्तराखंड वाले भी हैं, उत्तराखंड वाले भी पहाड़ी बंदे। तो हमारे बीच अभी हमने जो सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें हमारे तीन कार्य रहेंगे, क्योंकि आप भी बिजी रहे, सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से जो हम कहना चाहते हैं वो पहुंचे। तो हमने एक डोनेशन बॉक्स बनाया है, QR कोड उस पे लगाया है। ये हमारा तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सरकार को भी देखना चाहिए कि महिला साथी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर रह रही है, उनके रहने खाने अगर 1200 से 1400 बंदों का रहने खाने का अरेंजमेंट में हमें कोई कमी ना आए, तो ये जनता से सहयोग के लिए बनाया गया है डोनेशन बॉक्स। हमारे कुछ साथी मैं देख रहा था, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सुशील होटल ओबराय एजेंसी के उसके अंदर आता है, परंतु उसके बाहर जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं, तो उसमें धूल है थोड़ी थोड़ी। तो हमारे वीपी साथी डस्ट को, गाड़ियों को भी साफ करेंगे, शांतिपूर्ण संदेश पहुंचाएंगे। और कुछ साथियों ने बोला है कि हमारे पुलिस विभाग के सुबह से हमारी वजह से परेशान है, तो इनके जूते भी हम ही पॉलिश कर रहे हैं यहाँ पे, आते जाते जो भी होंगे उनके जूते भी पॉलिश करेंगे। ये संदेश शांतिपूर्ण तरीके से ये एक्टिविटी पूरा दिन चलती रहेगी। हौसला नहीं तोड़ना है। हमारे बीच और भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मैं एक रिटेल का साथी है, उनका नाम बोल रहा हूँ मंडी से। तो इस एक्टिविटी में अपनी तरफ से कोई भी इंटरेस्टेड, क्योंकि सारे तैयार है, दिलीप जी तो सामान भी लेके आए हैं, बूट पॉलिश के लिए एक टीम हमारी बैठने जा रही है, और मीडिया कवरेज होगी। संदेश जाएगा कि व्यवसायिक शिक्षकों को, जैसा कि संदेश था कि स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है, परंतु हमने ये आश्वासन दिया कि हमारे सिलेबस लगभग कंप्लीट है, और हम इतना मात्रा रखते हैं कि